फरमाया कि दुनिया में तीन किस्म के लोग हैं दुनिया में जो मजहब हैं वो कितनी किस्म के हैं तीन यानी इस्लाम के अगेंस्ट जो हैं एक तो हैं यहूदी और एक हैं ईसाई और एक हैं अहल किताब के अलावा जितने भी मज़ाहब हैं उनको इस्लाम एक ही कैटेगरी में रखता है यहूद और नसारा, नसारा अलग टाइप के हैं और यहूद और नसारा के अलावा जो हैं वो अलग टाइप के हैं क़ुरान कहता है कि इनमें इस्लाम दुश्मनी में सबसे ज़्यादा यहूदी और बाकी मशरकिन हैं और इस्लाम दुश्मनी में सबसे कम जो हैं वो ईसाई हैं नसारा हैं बाकी मुशरकिन जो यहूद नसारा में से नहीं हैं वो इस्लाम दुश्मनी में आगे इसलिए हैं कि उनके मज़हब में और इस्लाम में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हज़ारों खुदाओं को मानते हैं हज़ारों बुतों को मानते हैं इस्लाम दावत देता है एक खुदा की पैगंबरों को मानते ही नहीं है किसी भी पैगंबर को नहीं मानते यहूद नसारा जो हैं ये इस्लाम के करीब हैं इसलिए कि ये पैगंबरों के सिलसिलों को आसमानी किताबों को हलाल व हराम के कॉन्सेप्ट को भी मानते हैं ये जन्नत जहन्नम का बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमारा है इनकी किताबों में भी जहन्नम के बारे में वही कुछ लिखा है जो हमारी कित, आसमानी किताबों में लिखा है जन्नत के बारे में वही कुछ है जो क़ुरान में लिखा हुआ है जितने तारीख़ी वाक़ात कुरान बयान करता है कौम आत के कौम समूद के कौम नूह के और फ़िरौन के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ये सारे वाक़ात इनकी किताबों में भी हैं और वो नाम भी आपको मिलेंगे आपने अंग्रेज़ों में देखा होगा डेविड जोसेफ़ और जैकब याकूब को क्या कहते हैं ये लोग जैकब और सोलमन और इस तरह के नाम जो है ना किंग सोलमन लेकिन हिंदुओं में आपको सिखों में आपको ऐसे नाम नहीं मिलेंगे तो होना ये चाहिए था कि यहूद और ईसाई इस्लाम के सबसे करीब होते हैं लेकिन कुरान ने कहा इनमें यहूदी सबसे बड़े दुश्मन हैं मुशरकिन के साथ वजह क्या है वजह है यहूदियों की जैलिस क्योंकि अल्लाह ताला ने अहले यहूद को नवाज़ा बहुत था कल जो हमने सूरत पढ़ी थी उसमें मूसा सलाम ने जिक्र किया इलाफी कुम अम्बिया अ वजा अल कुम मलूका ए मेरी कौम अल्लाह की इस नेमत को याद करो उसने तुम्हारे अंदर पैगम्बर पैदा किए और तुम्हें ज़मीन में बादशाह बनाया मलूक बादशाह भी तुम्ही में हुआ करते थे व आता कम मालम यूती मिनल आलमीन तुम्हें वो कुछ दिया जो जहान में किसी और को नहीं दिया इल्म भी इनके पास दीन का इल्म भी दुनिया का इल्म भी लेकिन इन्होंने इनके अंदर एक तकबर पैदा हो गया ये कहने लगे कि कौम परस्ती पैदा हो गई ये समझने लगे कि हमें जो अल्लाह ने इतना नवाज़ा है हमारी कौमियत की बेस पे हालांकि अल्लाह ने नवाज़ा था अमल की बेस पे अमल छूट गया अब ये दावे कि हम चूँकि यहूद हैं हम जन्नत में जाएंगे हम तो अल्लाह के माज़ अल्लाह बेटों की तरह हैं कुरान ने कहा कि ये तुम्हारे दावे तुम्हारे खुदसाख्त हैं तुमने पैग़म्बरों का इनकार किया पैग़म्बरों को कत्ल किया ख़ास तौर पर ईसा इबन मरियम के साथ जो कुछ तुमने किया फिर तुमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया तो ये इस खुश फहमी में मत रहो कि अल्लाह तुम्हारे साथ अब वही मामला करेगा जो पहले किया करता था तो इनको जेलेसी हुई कि एक उम्मी पैगम्बर जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं वो कौम जो जाहिल कौम थी अरब तो जाहिल लोग थे उनको हम अपना बाप कैसे बना लें समझ रहे हैं उनको हम अपना इमाम कैसे बना लें कल तक तो वो हमसे पूछा करते थे इस हसद की आग में भड़कने की वजह से उन्होंने इस्लाम दुश्मनी में सबसे ज़्यादा पहल की है तभी आज देखें ना कि फिलिस्तीन पर कब्ज़े का दावा और हकदार ईसाई अपने आप को नहीं कहते हालांकि ईसाइयों की भी हुकूमतें रही हैं हजरत मरीम ये पूरी तारीख़ बैतुलमक़दस की वाबस्त है ईसाइयों के साथ लेकिन कोशिश में कौन लगा हुआ है यहूदी वजह क्या है वो कहते हैं हमारी वही खिलाफत जो पहले थी दुनिया में और बैतलमकद के जरिए हम ये मरकज़ था पूरी दुनिया का तो ये बैतुल्ला क्यों मरक़ बन गया मक्का मुकर्रमा क्यों मरकज़ बन गया सारी दुनिया वहाँ क्यों जाती है यहाँ क्यों नहीं आती समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जैल सी हसद हसद हंसत जिसका नतीजा ये निकला कि वो इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे बढ़ गए और कुरान कहता है वल तजन अकरबलधि न आमन लधि न कलू अन्ना न इसके बरक्स जो ईसाई हैं वो दूसरे मजाहिब की नस्बत इस्लाम से सबसे ज़्यादा करीब है वजह क्या है वजह उनके मजहब की कुछ ऐसी तालीमात हैं उन तालीमात ने उनको उन बुराइयों से रोका है जो बुराइयाँ यहूद में थीं बाज दफ़ा मज़हब में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मज़ब उन चीज़ों को बहुत हाईलाइट करता है तो उससे कुछ खैर की चीज़ें आपके अंदर रह जाती हैं गलत होके भी रह जाती हैं वो चीज़ें क्या हैं बे मिन हम किसी सीना व रोहबाना ईसाइयों ने ना एक चीज़ ख़ुद से ईजाद की थी अपने मज़हब में रहबानियत दुनिया से बेरगबती जो जितना ज़्यादा दुनिया से दूर भागेगा उतना ही नेक होगा अब ये इब है कुरान कहता है ख़ुद गढ़ा उन्होंने ये फ़लसफा ग़लत था लेकिन बहरहाल इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जब इंसान के दिल में दुनिया की लालच ख़त्म हो जाती है तो उसके लिए हक को कबूल करना आसान हो जाता है क्योंकि वो जहनी तौर तो पर इसके लिए तैयार है पहले से हमारे वाले साहब एक वाक़ बयान करते थे कि हिंदुस्तान में एक पंडित था या कोई हिंदुओं का कोई बड़ा था वो अजीब अजीब कमाल दिखाता था ना शोबदे ये कर दिया यूँ कर दिया ऐसे मेज़ को ऊपर उठा लिया वो थे ना शोबदे मिसमेरिज्म का बड़ा वो हैपन, हैपनाटाइज होता है एक मिसमेरिज्म होता है यानी दिमाग पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो एक बुज़ुर्ग गए उसके पास और उनसे बोला कि यार ये तेरे अंदर ये कमाल कैसे पैदा हुआ है तो चीज़ों पे तवज्जो मरकूज़ करता है वो चीज़ उठा लेता है ठीक है ना तो उसने कहा कि मैंने ना ज़िंदगी भर इसकी कोशिश की है कि अपनी ख्वाहिशात के मैं अगेंस्ट चलाऊँ हमेशा मेरा जो दिल चाहता है मैं उसके ख़िलाफ़ करता हूँ किवत इरादी मजबूत हो जाती है ना इससे जो मेरा दिल चाहेगा मैं उसके खिलाफ करूँ इससे इंसान की इरादी मजबूत होती है तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि इस तरह जब मैं किसी चीज़ पे तवज्जो डालता हूँ तो मेरे इरादे के जरिए ना उस पर कोई कोई रेज निकलती होंगी अब साइंटिफिक इसकी क्या हकीकत है तो अल्लाह ही जाने तो ये ए, मेरे अंदर एक कमाल पैदा हो गया मैं अपनी तवज्जो के जरिए ऐसे चीज़ों को हिला देता हूँ उन बुजुर्ग ने कहा अच्छा तू ये बात बता तूने हमेशा अपनी ख्वाहिशात की मुखालफ़त की उसने कहा उसने कहा तेरा दिल चाहता है इस्लाम कबूल करने का उसने कहा नहीं उन्होंने कहा अब मुखालफत कर अपनी ख्वाहिश की ठीक है अब क्या कर और वो मुसलमान हो गया उसने कलमा पढ़ लिया तो अब उसके अंदर एक ख़ासियत बहरल पैदा हो गई थी ना कि आप जब अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलते हैं तो जहाँ इसके नुकसान होते हैं वहाँ एक क्वालिटी भी तो पैदा होती है ना इस्लाम आपको ख़ामखा में अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलने के लिए नहीं कहता इस्लाम कहता है नाजायज़ ख्वाहिशात छोड़ दो जायज़ को पूरा करो लेकिन ख्वाहिशात के अगेंस्ट चलने से बाहर बहरहाल एक आपके अंदर कमाल पैदा होता है आपकी क़वत इरादी मजबूत होती है जो अपने ख्वाहिशात के गुलाम बने हुए होते हैं उनसे दुनिया में कोई भी काम उनसे से बीस रकत तराबी नहीं पड़ी जाती वो गिन रहे होते हैं हर दो अरे यार होगा क्या कितना टाइम और लगेगा तो ईसाइयों में क्या कमाल था कि रहबानियत तो कुरान कहता है इस रहबानियत की वजह से इनके दिल नरम इस की भी इस्लाम से बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ हुई हैं बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं लेकिन एक मिनसल कौम एक कौमी सतह पर कुरान बयान कर रहा है कि दूसरी कौमों के नस्बत ये मह्ब इस्लाम के ज़्यादा करीब है एक वजह तो ये दूसरी वजह यह भी करीब होने की किसाई हज़रत से पहले के तमाम पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं सिर्फ़ एक नबी का इनकार करते हैं मोहम्मद सल्ह वसलम और यहूदी हजरत ईसा के भी मुनकिर और नबी के भी मुनकर तो उनका जुर्म ईसाइयों से ज्यादा है तो इसलिए भी वो हक के ज्यादा करीब हैं ईसाई जो है और आज पूरी अच्छा जो मकारियां चालाकियाँ यहूदियों ने की हैं वो ईसाइयों में नहीं है वो ईसाइयों में नहीं है हिटलर ने ईसाइयों को नहीं ज़्यादा छेड़ा था वो तो ख़ुद भी ईसाई था उसने दुश्मनी किससे की थी यहूदियों से उसका यह नज़रिया था कि ये फसाद की जड़ है फिर कहते हैं उसने कुछ यहूदी छोड़ दिए इसलिए छोड़ दिए कि दोबारा ये फसाद करेंगे तो लोग फिर मुझे कहेंगे इसने सही किया था ये उसकी राय थी मैं नहीं कह रहा ये ठीक है ना मैं नहीं कह रहा ये वो जाने आप जाने हिटलर जाने तो ईसाई तो अच्छा सारे यहूदी भी एक जैसे नहीं होते ये खूब समझ लें हमने बाज़ यहूदी देखे हैं सुने भी हैं उनके बारे में वो भी इस्लाम को बहुत से मकाम पे सपोर्ट करते हैं सबको एक ही लाठी से कभी भी नहीं हाँकना चाहिए हांगकांग में वहाँ के मुफ्ती आज़म से मेरी मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि यहाँ हमें यहूदी सपोर्ट करते हैं हम यहूदियों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि आसमानी मज़ाहब है ना तो यहाँ पर यहूदी मुसलमानों का साथ देते हैं आलम तो हर जगह सब एक जैसे नहीं होते तो आपको कोई यहूदी नज़र आया तो आपने फ़ौन कुरान की आयत पढ़ के उसका सर डंडे से कूट दिया कि इस्लाम ज़रूरी नहीं है कि वो भी इस्लाम दुश्मन हो बल्कि आपको मैं कमाल की बात बताऊं कि इस जब लंदन की ये जो यूके है यूनाइटेड किंगडम इसकी असम्बली में यहूदियों ने ये आवाज़ उठाई थी कि हमें एक अलग रियासत चाहिए इसराइल के नाम पे तो इस की सबसे पहले मुखालफत जिसने की थी वो यहूदी था और उसने इस बेस पर मुखालफत की थी कि हमारी तेरह सौ साल हो गए मुसलमानों से अब तक कोई जंग नहीं हुई है वो जो नबी के दौर में हुई थी उसके बाद से जंगें हमारी नहीं हुई हैं तो हम खाम खमें मुसलमान जैसी इतनी बड़ी कौम से क्यों पंगा ले लेवाई हम बिलावजा एक नया शोचा छोड़ दें हम अब तक हमारी मुसलमानों से कोई जंग नहीं हुई है और हकीकत है खिलाफत ओस्मानिया ने यहूदियों को सपोर्ट किया था बचाया था बहुत से तुर्की आप जाए ना हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा बहुत से यहूदियों की पनाहगाह थी यह तुर्की मुसलमान इनको पनाह देते थे इनकी जानों की हिफाजत की क्योंकि ये इनसे कोई पंगा फटा चल नहीं रहा था मुसलमानों का लेकिन बहर अल अदीस में है कि आखिरी जो मुसलमानों की सबसे बड़ी जंग होगी वो किससे होगी यहूदियों से होगी हो तो वो पेशगोई नबी की पूरी होनी थी तो वो इसराइल के नाम पर एक शोशा छोड़ दिया फिर जो फ़लस्तीियों पर म हुआ वगैरह वगैरह जो कुछ हो रहा है तो तो मैं यज कर रहा था कि ईसाइयों में दूसरी क्वालिटी क्या है कि ये तमाम पैगमरों पर ईमान रखते हैं इनमें वो चलाकियाँ नहीं थी जो किस में थी यहूद में यही वजह है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मज़ब कबूल करने वाली कौम है ना इस्लाम वो ईसाई हैं मैंने भी इसका मुशाहिदा किया सबसे ज़्यादा ईसाई लोग हैं जो इस्लाम को कबूल करते हैं उनमें ये रेशो दूसरे मज़ाहिब के नस्बत सबसे ज़्यादा है अमेरिका में तो आए दिन लोग मुसलमान हो रहे हैं लंदन में भी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं वो अंग्रेज़ बहुत बहुत ज़्यादा है इस आगे अल्लाह ने फ़रमाया वा सम उमा रसूल तरा तफ़ीन दम ये अहले किताब जो ईसाई हैं जब इन पर अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं तो मुखातब तो इनको देखेगा इनकी आँखें बहना शुरू कर देती हैं वजह क्या है कि ये तौरात पढ़ पढ़ के ना ये अल्लाह के कलाम से मानूस हो चुके होते हैं जिन्होंने आसमानी किताबें पढ़ी हैं ना तोरात और इन उन्हें अल्लाह के कलाम से कुछ ना कुछ मुनासबत पैदा होती है तो ईसाइयों में जो पादरी हैं जो हक परस्त हैं जब वो कलामुल्ला सुनते हैं तो क़ुरान कह रहा है कि उनकी आँखें बहना शुरू कर देती हैं और उनको यकीन हो जाता है कि ये वही कलाम है बिल्कुल उसी तर्ज का कलाम है जो अल्लाह ने मूसा कलीमुल्ल् और ईसा रूहुल्ला पे नाजिल किया डॉक्टर हमीदुल्ला सिद्दीकी के नाम से एक बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं ख़ुबात बहावलपुर जिनकी मशहूर किताब है सिद्दीक़ी हैं या नहीं डॉक्टर हमीदुल्ला सिद्दीकी शायद मैंने खुद लगा दिया डॉक्टर हमीदुल्ला बहुत बड़े स्कॉलर हैदराबाद दक्कन के थे वो उनका उनकी बड़ी रिसर्च थी किताबों पर नायाब नुस्खों पर तो उनकी तौरात इंझील पर भी बड़ी रिसर्च क़ुरान पर तो थी वह ये कहा करते थे कि आप तोरात का यानी जो मौजूदा अहद कदीम और अहद जदीद है इसका और कुरान का मुतालबा करें ना तो आपको इनका अंदाज बयान सेम मिलेगा ये ख़ुद इसकी अलामत है कि ये एक ही जात से निकले हुए कलाम यानी इतनी तहरीफ के बावजूद भी जो आयतों का अंदाज़ है और कलाम का जो तर्ज है वो बिल्कुल सेम है वो बिल्कुल सेम है यही वजह है कि नजाशी के सामने नजाशी ईसाई बादशाह था जब हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तू ने नजाशी बाशाह के सामने सूर मरीम की तिलावत की है सूर मरीम से याद आया लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आपकी तिलावत आप तिलावत अपलोड करें हमारी तिलावत यूट्यूब पर तरावी की अपलोड हुई भी है आप लिखेंगे ना मुफ्ती तारीख़ मसू रिसाइटिंग आ जाएगी वो तो बार बार ना करें कहें एक ही बात अपलोड हुई भी है सुन लें सूर कसस भी है सूर मरीम भी है तो जिसने सुननी है नहीं सुननी तो बड़े बड़े कारी एक से एक पड़े हुए हैं यूट्यूब पे तो भाई तो हज़रत जाफ़र तैयार रजी अल्लाह तनों ने जब सूर मरीम की तिलावत शुरू की है तो नजाशी और उसके गिरद जितने पादरी बैठे हुए थे सबकी दाढ़ियाँ रो रो के तर हो गई थी तो नजाशी ने उस मौके पे क्या कहा था कि अल्लाह की कसम ये वही उसी जैसा कलाम है जो अल्लाह ने ईसा इबन मरियम पे नाजिल किया इसी का कुरान तस्करा कर रहा है वही दा समऊ मा उन रसूल तरा आय तफ़ी गिन दम कि जब ये रसूल पे जो कलाम नाजिल हुआ ये सुनते हैं ए अखातब तू देखेगा इनकी आँखें आंसुओं से बहना शुरू कर दी ये भी बलागत है कुरान की ये नहीं कहा कि आँखों से आंसू आँशु बहेंगे आंसुओं में आँखें बहना शुरू कर देंगी ये बलागत है इतना रोते हैं इतना रोते हैं जैसे आंखें बहती चली जा रही हैं तो बहुत ऐसे वाकयात हैं क़ुरान पढ़ के रोने के गैर मुस्लिमों ने सुना हजरत उमर ने सुना कैसा दिल पिघल गया उनका नजाशी ने सुना उसके पादरी ने सुना आप कह सकते हैं मदीना के जो लोग थे वो क्यों नहीं रोते थे जो दुश्मन थे याद रखें जब आपके दिल में किसी का बोज पैदा हो जाए ना एक दफ़ा कीना पैदा हो जाए फिर आप दलाइल को साइड पर रख देते हैं फिर आप हमेशा उसके खिलाफ कोशिश में लगे रहते हैं आज जो मसलकी इख्लाफा हैं ना आठ रकत तरवी बीस रकत्त त्ररावी रफुलेदैन टांगे चौड़ी टांगे पतली इनका भी मसला सारा यही है नाम हम सब कुरान और हदीस का लगाते हैं लेकिन सबका मतलब अपनी ठरक पूरी करना होता है कि अपने मसलक की टांग को ऊंचा रखो दूसरे मसलक को वरना पता होता है कि यार दलील उधर भी है और इधर भी है। लेकिन अपनी वाली दलील को दलील कहना है। दूसरे वाली को कहना है सौ फीसद गलत ये ठरक चल रही है आजकल मार्केट में लेबल क्या लगाया जा रहा है कुरान और हदीस का समझ रहे हो ना लेबल कुरान और हदीस का क्योंकि हमें तो सुबह शाम तजर्बा होता है जब आप दलाइल देना शुरू करते हो तो नहीं तो नहीं ये जयीफ है ये यूं है तो ये यूं है खाम खा के फतवे ठोकना शुरू और कमाल की बात ये यह काम वो लोग ज्यादा कर रहे होते हैं जो खुद को मसलक परस नहीं कहते हैं वो लोग ये ज़्यादा कर रहे होते हैं जो कहते हैं हमारा कोई मसलक नहीं है इससे पता चलता है आप तो का तो ऐसा मसलक है कि आप इसके अलावा सबको जहनमी समझते हो एक छोटी सी बात करके आगे चलता हूँ आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कहते हैं हम शख्सियत परस नहीं है हम किसी शख्सियत को नहीं मानते 99.9 परसेंट मैंने ऐसे लोगों को ऐसा शख्सियत परस देखा है कि आप किसी सहाबी को बुरा भला कह दो इनको गुस्सा नहीं आएगा इनके बाप को आप જરા સા બરાબલા કહે કે દેખો ઇનકે મુહ સે ઝાગ નિકલના શુરુ હો જાતા હૈ ગુસ્સે મે ઠીક હે ના યે કહેતે હે કે હઝરત મુઆવિયા પે ભી ઇતરાઝ હો સકતા હે હઝરત અબુ સુફિયાન પે ભી હો સકતા હે બડે બડે સાહાબા હઝરત ઉસ્માન પે ભી હો સકતા હે લેકિન હમારે બાપ પે ઇતરાઝ નહીં હો સકતા સમਝ રહે હે હમારે બાપ કે બારે મે અગર કિસીને બતા દિયા ના રોહાની બાપ बता दिया ना किसी ने कि ये मोहतरम ने गलती की है और ये सो गलती है तो ये ऐसा झाग इनके मुँह से निकलता है ना गुस्से में इनके कमेंट से पता चलता है कि ये लोग हजरत मुआविया पे तंज बर्दाश्त कर लेंगे ये हज़रत अबू सुफियान पे हजरत उस्मान पे बड़े बड़े साहबा पे लेकिन जब इनके किसी पीर मुर्शिद को आप जरा छेड़ के तो देखें तो इनके मुँह से क्या झाग निकलता है और क्या गजबनाक होते हैं उनके खिलाफ ये एक حرف सुनना पसंद नहीं करते हमारे हजरत ने एक दौर में किताब लिखी एक मशहूर शख्सियत उन्होंने साहबा पर बड़े एतराजात किए थे तो और उनका जब उन पर लोगों ने इतराज़ा किए कि आप सहाबी रसूल पर एतराज़ कर रहे हैं तो उन्होंने कहा तनकीद से बालाज़ात सिर्फ़ पैगम्बर की है पैगम्बर के अलावा हर एक पर तनकीद हो सकती है ये असूल पेश किया तो हमारे हजरत ने उनकी किताबों से उन पर तनकीदें शुरू कर दी ना तो उनके मातहतों को इतना गु़स्सा आया इतनी बो छाड़ और ये ऐसे हैं तो ये यूं हैं तो ये यूं हैं मैंने फरमाया कि तुम अजीब लोग हो सहाबा को तो तुम तनकीद से बाला तर नहीं समझते लेकिन जब तुम्हारे पीर मुर्शद तुम्हारे अमीर पर तनकीद की जाती है तो बजाय ठंडे दिल आराम से सुन के तमीज़ से उसका जवाब दो ऐसा नहीं करते एकदम झाग उगलना शुरू <laughs> ये आजकल मार्केट में चल रहा है जमातुल मुस्लिमीन वाले एक रिटायर होके यहाँ पर आ गए ना जमातुल मुस्लिमीन में बहुत घूमे थे वो फिर उन्हें छोड़ दिया जमातुल मुस्लिमीन को मैंने कहा क्यों छोड़ा कह रहे हैं यार ये हर वक्त इमाम हनीफा के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि अंधी तकलीद अंधी तकलीद लेकिन कहते हैं आप लोग इमाम अबू हनीफ़ा की ऐसी तकलीद नहीं करते जैसे ये जमात के अमीर की तकलीद करते हैं जमातुल मुस्लिमीन तो कह रहे हैं सिर्फ हवाई बातें होती हैं ये आपसे आप लोगों से बड़े मुकलद हैं ये लोग लेबल लगाते हैं क्योंकि इनके खिलाफ जब कोई हदीस पेश की जाए ना दलील पेश की जाए तो ये नहीं सुनते तो ये आजकल मार्केट में चल रहा है इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं ये तजर्बों के बाद है कि चारों इमामों को फॉलो करो आप क्योंकि पूरी उम्मत ने इनको फॉलो किया इनकी रिसर्च इनकी तहकीक बारह तेरह सो साल से पूरी दुनिया में फॉलो की गई है ये दो चार लोगों की इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं है पूरी दुनिया में जब से ये फिका मुरतब हुए हैं इन्हीं चारों को फॉलो किया जा रहा है इनसे अगर हटोगे तो कुरान और हदीस के नाम पे ऐसे बेलगाम हो गए ना आप उसको कुरान और हदीस समझ रहे होगे लेकिन वो आपकी ख्वाहिशात होंगी या आपका अपना टेक्निकल फॉल्ट होगा जो हदीस समझने में आपने गलती की होगी तो उम्मत ऐसे ही इतनी बड़ी चीज़ पर जमा थोड़ी हो गई है अगर हम शख्सियत परस्त होते तो हम आपको सिर्फ इमाम व मुनीफा की दावत दे रहे होते हम तो कहते हैं बड़े बड़े फुकाह हैं जिनका निसाब मुरतब हो चुका है जिनकी किताबें मुरतब हो चुकी हैं सदियों से ये दुनिया में नाफिज हैं इन्हीं में से किसी एक को फॉलो कर लो बस अगर हटोगे ना आज के स्कॉलर्स के पीछे जाओगे तो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे लेबल बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए होंगे और तुम उनको कुरान हदीस इसलिए समझोगे कि तुम्हारे पास खुद कुरान हदीस का इल्म नहीं है इसलिए कम इलमी की वजह से आप समझ रहे हो ये दलील से बात कर रहा है समझते हो नहीं समझते खैर तो अल्लाह ने क्या फ़रमाया इदा समी उमा रसूल कुरान सुन के रोना जो है ना ये हमेशा से अहल इस्लाम की भी आदत रही है जो गैर मुस्लिम सुना करते थे उनकी भी मैं जब मलेशिया में था तो हम कहीं घूमने फिरने के लिए निकले तो साहिल समंदर पर मैंने दो ईसाई देखे कोई बैठा हुआ दम कर रहा है उनके ऊपर ना मैं गया इंटरव्यू लेने के लिए उनसे मैंने पूछा क्या है क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा ये सूरह रहमान पढ़ के हम पे दम कर रहे हैं कोई मौलवी साहब थे तो मैंने कहा आपका महदह क्या है उन्होंने कहा हम ईसाई हैं तो मैंने कहा आप तो ईसाई हैं तो सूरह रहमान का दम क्यों करवा रहे हैं तो उन्होंने कहा हम जब कुरान का दम अपने ऊपर करवाते हैं ना किसी भी मौलवी साहब से या कहीं से भी कुरान कुरान की आयतें तो हमें सुकून मिलता है इससे तो ये कुरान के मिजाज में ये चीज़ दाखिल है कुरान की रूह में ये चीज़ दाखिल है कि इसकी तिलावत इंसान के दिलों को सुकून देती है आज तो लोग समझते नहीं है ना क्या पढ़ा जा रहा है इसलिए असर ही नहीं होता तो कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए साहबा के ऐसे वाक़ात उमर रज़ी अल्लाह तन फ़जर की नमाज़ में जब तिलावत करते इतना रोते बाज़ दफ़ा कहते हैं रो रो के गिर जाया करते थे बीमार हो जाया करते थे हज़रत अक्रमा रज़ी रही जो हज़रत बिन अब्बास के शागिरदे कुरान की तिलावत से पहले उसको आँखों से लगाते और कहते हादा कलाम उ हादा आह दू मनशूर रब्बी ये मेरे रब का कलाम है ये मामूली किताब नहीं है और ये मेरे रब का अहद नाम है मनशूर है मेरे रब ने इसमें कवानी बयान किए हैं मंशूर है ये मेरे रब ने इससे इस किताब में मुझसे कुछ माहिदे किए हैं तो ये इतनी अजीम किताब है जिसमें मेरा रब मुझसे कह रहा है तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो ये करो और मैं उसके बदले में तुम्हें यह दूंगा तो इतनी अज़ीम किताब है फिर उसको आंखों से लगाते उसका बोसा लेते और फिर रोना शुरू कर दिया करते थे तो हमारे असलाफ ने इसकी बड़ी क़दर की है आज हमारे घरों से क़ुरान निकल गया है बच्चों को सिखाना भी छोड़ दिया है सीख जाते हैं मदरसों में कहीं स्कूलों में तो पढ़ तिलावत ही नहीं करते पूरे पूरे साल क़ुरान बंद रहता है खैर हम आगे चलते हैं तो अल्लाह ताला ने यहाँ एक और